हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस की दो दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे और कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही कई रक्षा सौदों पर भी समझौता हो सकता है। वहीं रूस से आज ही वे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। कांग्रेसी सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल असम और मणिपुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने मणिपुर के हालत पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात कर अपना पत्र भी सौंपा। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चर्चा किया। राहुल ने यहां कहा कि मणिपुर का यह मेरा तीसरा दौरा है, मुझे लगा था कि यहां के हालत में सुधार हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बिहार में आज से 11 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ राज्य में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश के 7 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के बाद मुंबई वासियों को भी महंगाई का एक झटका लगा है, जहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना महंगा होने जा रहा है। दरअसल महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और घरेलू पाइपलाइन गैस पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम आज से लागू होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर कांग्रेसी विधायक दल की बैठक आज जयपुर के 5 सितारा होटल में होगी। इस दौरान कांग्रेस इंडिया अलायंस व बीएपी के सांसदों और गुरदासपुर से सांसद बने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का सम्मान भी किया जाएगा। बता दें कि भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को सदन में पेश करने जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जनपद चंपावत का दौरा करेंगे। इस दौरान वे चंपावत के टनकपुर एवं बनवासा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे। 53 साल बाद एक बार फिर से पूरी जगन्नाथ यात्रा 2 दिनों तक चली और भगवान बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ गुडीचा मंदिर पहुंचे, जहां कल रथों पर ही भगवान की पूजा आरती हुई। इसके बाद राजभोग लगाया गया और आज भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पूर्व अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा जदयू में शामिल हो सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी पार्टी कार्यालय में 4 बजे शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संभवतः इसी कॉन्फ्रेंस में मनीष कुमार जदयू में शामिल हो सकते हैं, हालांकि पार्टी नेताओं की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं, जहां भूमाफिया धीरे धीरे नजूल की जमीनों के साथ सरकारी जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया के बढ़ते हिम्मत पर लगाम कसने के लिए अब प्रशासन सख्त हो गई है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए उसकी सूची तैयार की जा रही है। बिहार में लगातार गिरते पुलों की घटना के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां बिहार में पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, साथ ही इन पुलों की निगरानी भी सीसीटीवी के जरिए की जाएगी। दरअसल राज्य में पुलों के रखरखाव के लिए ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू हो गई है। इस पॉलिसी के आधार पर पुलों के हेल्थ कार्ड बनेंगे, वहीं इसके रखरखाव के लिए स्पेशल डिवीजन का भी गठन किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जहां दिल्ली पुलिस ने उन्हें स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं विभव कुमार ने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। वह अभी न्यायिक हिरासत में है। पंजाब के जिला मुक्तसर के गाँव काउनी में एक किसान से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से
1 करोड़ रुपए और 30 तोले सोने के गहने की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जहां जिला पुलिस ने आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की सीट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जजपा पर कंडीशन लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर जजपा अपने सभी 10 विधायकों की गारंटी लें तो जजपा नेता का राज्यसभा सांसद को कांग्रेस समर्थन देगी। वहीं उन्होंने कहा कि जजपा चाहे नवीन जय हिंद या फिर जजपा अपना प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक उनको वोट देने के लिए तैयार है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट गंवाने के बाद कांग्रेसी नेताओं के बीच जंग छिड़ गई है। हालात ये हैं कि प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस्तीफे तक की बात कह दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का उत्तराखंड से सूपड़ा साफ हो गया था, जहां 5 सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठाया गया, जहां सदन में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इस समस्या को लेकर हाईकोर्ट को निर्देश देना पड़ा, इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन छेड़ दिया गया है। इस कड़ी में राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैंज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सभी नेता अपने हाथों में लालटेन थामकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 14 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। इस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई कई नक्सली वारदातों में शामिल होने का आरोप था। हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे, उससे एक दिन पहले यानी 12 जुलाई को सीएम सुक्खू ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में माननीयों के 84 लाख रुपए के भुगतान को माफ करने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का भी निर्णय लिया जा सकता है। भारत सरकार ने अमरनाथ यात्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचा में महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि एयरटेल, बीएसएनएल और रिलायंस जियो सहित प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यात्रा मार्गों पर निरंतर कवरेज प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत किया गया है। पश्चिम बंगाल में विभिन्न नगर पालिकाओं में भर्ती घोटाले के मामले में इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है, जहां चार्जशीट में सीबीआई ने विस्तार से बताया कि इस भर्ती में अनियमितताएं कैसे शुरू हुई और कैसे इसे अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी में बारिश जारी है, जहां रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद सैकड़ों लोगों को बचाया गया। रायगढ़ में बाढ़ के कई हृदय विदारक वीडियो भी सामने आए हैं। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी मुंबईकरों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन ने कई दवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके विभिन्न 5 दवाओं के नमूनों की जाँच फेल हो गयी, जबकि 33 दवाओं की आपूर्ति नहीं किए जाने पर भी कई कंपनियों को प्रतिबंधित किए गए हैं। यूको बैंक ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ब्रांच में अप्रेंटिस के कुल 544 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार यूको बैंक के आधिकारिक वेबसाइट yukobank.com पर 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी के शाहजहांपुर जिले के बंडा इलाके में सड़क ना होना एक गर्भवती महिला के लिए उस वक्त मुसीबत बन गया जब उसे प्रसव पीड़ा हुई। सड़क ना होने के चलते महिला के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। महिला को एम्बुलेंस तक जाने के लिए परिजन करीब 2 किलोमीटर तक महिला को चारपाई पर लेकर गए। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।